نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم। जैसा कि आपने देखा कि राणा मोहम्मद सरवर साहब, डॉक्टर मोहम्मद सरवर साहब माशाल्लाह सीनियर फिजिशियन, ये आपको सारी होम्योपैथिक की अफादियत और इसकी तफसीलात के मतलब बता रहे थे। तो अब मज़ीद जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हैं, ये माशाल्लाह एक होनहार डॉक्टर हैं और ये खसूसी तौर पर एक शौक़ के साथ इस शोबे के अंदर ये आए हैं और जज्बे के साथ आए हैं। इन्होंने हमारे पास क्लिनिक पे जो इंटर्नशिप की है उसके अंदर माशाल्लाह इन्होंने बहुत कुछ सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये इस काबिल थे। ये किसी पोश इलाके में बैठ के डॉलर कमा सकते थे, पैसा कमा सकते थे, लेकिन चूँकि हमने ऑलरेडी जो 40 साल हैं पिछले हमारे जो होम्योपैथिक के, हमने गरीब इलाके के अंदर, पसमानदा इलाके के अंदर डिस्पेंसरियाँ, फ्री मेडिकल कैंप्स वगैरह और फ्री स्कूल्स वगैरह हमने चलाए और NGOs के थ्रू हमने काम किया। हम माशाल्लाह राजपूत एक जान फैसल वेलफेयर सोसाइटी के जो हमारे सरबराह हैं उनकी हदायत पर अपने राजपूत जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको एक हुनर दे रहे हैं होम्योपैथिक का और उनको एक पसमानदा इलाके में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो खुशी से बैठ रहे हैं कि हम खल्के खुदा की खिदमत करें और होम्योपैथिक की खिदमत करें, होम्योपैथिक को आम करें। और होम्योपैथिक का जो मुस्तकबिल है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ताबनाक मुस्तकबिल है, क्योंकि जो कुदरत है अपना रास्ता खुद बनाती है। होम्योपैथी एक कुदरती इलाज है, इसने अपना रास्ता खुद बनाना है। ये बहुत वो इलाज है जो लोगों की जिंदगियों को बदलती है। ये असबाब जो है, जो बीमारी के असबाब है उसको दूर करती है, ना कि ये जो असबाब है बीमारी के असबाब को दूर करती है। जब बीमारी के असबाब नहीं रहेंगे तो फिर बीमारी कहां से रहेगी। होम्योपैथी डॉक्टर बहुत डॉक्टर है जो अपने पेशेंट का ना सिर्फ वो सेहत का ख्याल रखता है बल्कि वो एक उसका रूहानी मालिज भी है, वो उसके नफसियाती मसाइल को भी हल करता है, वो उसके जो भी बीमारी के असबाब हैं वो बताता है, वो उसकी हिस्ट्री लेता है, उस हिस्ट्री के अंदर से जो भी बीमारी के असबाब हैं उनको दूर करके आपको शिफा के रास्ते पे चला देता है। अगर होम्योपैथी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी आप गुजारेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से 90% आप बीमारियों से वैसे ही बच जाएंगे। और जब कभी कोई 10% आप बीमार हों तो आप इनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। ये आपको ना सिर्फ आपको अपना समझेंगे, खुद अपने भाइयों की तरह आपको समझेंगे और आपका इलाज करेंगे। इनको यही बात समझाई गई है कि किसी किस्म की लालच तमा नहीं करनी आप लोगों ने, बाज़ार के शरबत सिर्फ ये चीज़ें नहीं लिख के देनी, सिर्फ आवाम को सस्ता इलाज मुहैया करना है और क्लिनिक से ही मेडिसिन देनी है जितनी भी देनी है, इससे सस्ता कोई और इलाज नहीं हो सकता। ये वाहद इलाज है जो आपको गर्मी खुश्की नहीं करता। होम्योपैथिक मेडिसिन गर्म खुश्की नहीं होती, दूसरी मेडिसिन जो है वो गर्मी खुश्की पैदा करती हैं जिससे मज़ीद बीमारियां पैदा होती हैं। तो लिहाजा आप लोग मज़ीद बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब के पास तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको गाइड करेंगे, आपकी तरबियत करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस इलाके के अंदर सेहत का एक मियार होगा, लोग इंशाल्लाह हर तरह की बीमारियों से बच जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, हमें कुछ लोगों ने बताया था कि मोहम्मद अमीन खोखर साहब जो हैं वो आपके ही ज़ेरे साया जो है ट्रेनिंग लेते रहे हैं और आपके स्टूडेंट भी रहे हैं, तो ये बड़ी खुशायन बात है। तो क्या कहेंगे कि आपका स्टूडेंट जो है अमीन खोखर साहब, तो वो अपने आपके मयार पे पूरा उतरेगा, क्या कहेंगे डॉक्टर अमीन खोखर साहब के बारे में? डॉक्टर साहब माशाल्लाह जी, मैंने पहले बताया कि एक होनहार स्टूडेंट थे हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से इन्होंने पूरा वहाँ पर इंटर्नशिप की है इन्होंने हमारे पास, और हर तरह की जो बीमारी है उन्होंने देखा है कि कैसे इलाज हम लोग कर रहे हैं, उनका इलाज अपने हाथ से किया है। फिर उसके अलावा इनको हम लोगों ने शहर के अंदर एक फ्री डिस्पेंसरी के ऊपर खुद इन्हें बिठाया कि आज़ादाना तौर पर इन्होंने कम से कम एक साल तक वो डिस्पेंसरी चलाई है, उसके बाद हम लोगों ने इन्हें अपना क्लिनिक बनाने की इजाज़त दी है। जो हमारी फ्री डिस्पेंसरी चल रही है उस पर उसके ऊपर उन्होंने एक साल काम किया है और पेशेंट्स को देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शिफा भी दी है, तो अब इनको इजाज़त मिल गई है कि ये अपना क्लिनिक चला सकते हैं। हमारी दुआएं इनके साथ हैं, अकराम ने इजाज़त परमिशन दे दी, बिल्कुल दे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना क्लिनिक करें और खुल खुला आगे करें और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को ये मायूस नहीं करेंगे, हर लिहाज से आवाम के साथ कोऑपरेट और तावन करेंगे
हर किसी का इलाज करेंगे। इनको समझा दिया गया है कि जो बंदा पैसे दे सकता है उससे पैसे लें, जो बंदा कहता है कि गरीब आदमी है उससे 50% डिस्काउंट कर लें, जो कहता है मैं ज़कात का मुस्तहिक हूं उसका फ्री इलाज किया करें। माशाल्लाह, ये इस तरह की एक सोच लेके यहाँ पर बैठे हैं, तो आप हजरात से इल्तमास है कि आप भी कोऑपरेट करें और अपना फ़ायदा आप करें। माशाल्लाह जी, डॉक्टर राना मोहम्मद आसफ साहब के आप होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में जो उनके कमेंट्स हैं, जो उनके रिमार्क्स थे, जानदार गुफ्तगू उनकी आप सुन रहे थे, उनका कहना था कि मुस्तकबिल जो है होम्योपैथी का, जो फ्यूचर है पूरी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, वो बिल्कुल ब्राइट रोशन है, ताबनाक है, और होम्योपैथी इंशाल्लाह ताला आगे जाके मज़ीद डेवलपमेंट होगी और ये प्रमोट होगी, इसको सपोर्ट किया जाएगा, और होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो पूरी दुनिया में आगे जाके पिंपने भी जा रहा है और इसकी ग्रो भी होगी इंशाल्लाह ताला। तो बकायदा हम आगाज़ करते हैं तलावते कुरान पाक के लिए। मैं राना गुलाम मुर्तजा साहब से कहूँगा, जो हमारे हकीम हजरात में शामिल हैं, कि वो तलावते कुरान पाक पेश करें। जी जी डॉक्टर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله جزاك الله جزاك الله ما شاء الله ما شاء الله आज हम यहाँ मोहल्ला उस्माने गनी सोलंगवाला बाजार में मौजूद हैं और यहाँ ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है और इंटरनेशनल होम्योपैथक से भी मोहम्मद फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम जो हमने मियाँ अब्दुल हमीद होम्योपैथक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम नंबर 2 का यहाँ आगाज़ किया है, उसके लिए आज हम बिल्कुल ओपनिंग सेरेमनी के आखिरी मरहलों में हैं। और इसके बाद यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारे जितने भी ये बुज़ुर्ग हजरात सामने बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे भी ये अर्ज़ गुजारिश करूंगा कि अगर आप आज से ही होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आ गए और आज आपने ये तहैया कर लिया कि आज के हम बाद हम वो गोली और कैप्सूल टैबलेट का इस्तेमाल और इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो भी नौजवानों की तरह हमारे साथ यहाँ खड़े नज़र आएंगे, यहाँ बेंचों पे बैठे नज़र नहीं आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन में वो ताकत मौजूद है, इनके जो मेडिसिन के जो असरात हैं वो जादुई तिलस्माती मौजदाती करिश्माती और चमत्कारी असरात हैं, और ये बुढ़ापे को भी डॉक्टर साहब मेडिसिन जो है वो रोकती हैं और बूढ़े इंसान को दोबारा से जो है वो रीग्रो करके तो जवान बना देती हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला आगे चाह के लोगों को इसके सम्राट जो हैं इसके बेनिफिट्स पहुँचने शुरू होंगे, अभी तो आगाज़ है, अंजाम खुदा जाने। तो हमारे साथ अब मैं जिस शख्सियत को दावते खिताब दूंगा, थोड़े से वक्त में वो अपना खिताब जो है वो उसको तकरीर को अपनी स्पीच को समेटेंगे, इंटरनेशनल होम्योपैथक से भी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के जो वाइस चेयरमैन हैं और पंजाब होम्योपैथक मेडिकल कॉलेज डिगलसपुरा फैसलाबाद के जो प्रोफेसर लेक्चरार हैं, इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम डोमिनियरिंग गुफ्तगू जो है वो सोशल मीडिया पे लोग इंजॉय कर रहे हैं और लोग इसको सराह भी रहे हैं, और आपने तो देखा है कि किस तरह लोग लेडी डॉक्टर डॉक्टर और मेडिकल साइंस वबिस्ता लोग और ना सिर्फ वो बल्कि दूसरे लोगों के भी कमेंट्स जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं और लोग इसको पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे जो डॉक्टर मोहम्मद अमीन खोकर साहब को यहाँ मोहल्ला उस्माने गनी सोलंगवाला बाजार में इंटरनेशनल होम्योपैथक से भी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के जेरे तमाम जो मियाँ अब्दुल हमीद होम्योपैथक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में नंबर 2 में उन्हें तैनात किया गया है, यहाँ तो क्या कहते हैं कि उनका तजर्बा, उनका जो एक्सपीरियंस है
और फिर राणा साहब के वो शागिर्द भी हैं जो कि उनका पाकिस्तान भर में पूरा नाम है राणा आसफ साहब का, तो उनके वो शागिर्द हैं। क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मयार पे पूरे उतरेंगे और लोगों की बेहतरीन अंदाज से जो है बीमारियों से निकालेंगे और शिफाओं से हमकिनार करेंगे? शिफाएं तो अल्लाह ताला ने देनी होती हैं, लेकिन डॉक्टर का भी एक अहम किरदार होता है कि वो मेडिसिन देता है और अल्लाह ताला के फजल व करम से जो है वो मरीज़ जो है वो शिफा याब हो जाता है, क्योर हो जाता है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसके बारे में, और आने वाला दौर जो है उसके बारे में भी बताएँ कि होम्योपैथी तरीका इलाज का जो फ्यूचर है उसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? What will you say about it, Dr. साहब? जी, अल्लाह ने शैतान राजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और आज जो है हम ओपनिंग सेरेमनी में डॉक्टर साहब ने हमें दावत दी है, तो होम्योपैथी के बारे में जिस तरह से माशाल्लाह हमारे सीनियर डॉक्टर आसिफ साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से होम्योपैथी का पैगाम जो है लोगों तक पहुँचाया। अब यानी कि मज़ीद इसके ऊपर जो है बताने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। माशाल्लाह बहुत अच्छे अल्फाज में उन्होंने इसकी डिस्क्राइब किया, ज़बरदस्त उन्होंने स्पीच दी है, लोगों को बताया है, गाइड किया है, होम्योपैथी के इलाज के बारे में जो है वो बहुत अच्छा पैगाम दिया है। तो मैं जो अपने देखने वाले तमाम नाज़रीन या जितने भी पेशेंट्स हैं उनको यही गुजारिश करूँगा कि वो होम्योपैथिक को तरीक़ाकार को अपनाएँ, और होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो बेज़र तरीका इलाज है, और ये इससे जो है पेशेंट को जो है वो कुल्ली शफा जो है वो मिलती है। तो आज माशाल्लाह जिस तरह से आपका एक तहरीक चला रहे हैं इंटरनेशनल सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद के नाम से, तो माशाल्लाह जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, नज़र आ रही है, और इसका मुस्तकबिल जो है वो बहुत रोशन नज़र दिखाई दे रहा है। और इसी की कड़ी का आज जो है आप एक संगे बुनियाद में रख रहे हैं ब्रांच सेरेमनी आज रखी हुई है, और ताकि जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर भी जो गरीब लोग हैं उनको जो है सस्ता और मियारी इलाज मिल सके। और माशा जो है आइंदा भी मेरे ख्याल में आपके अंदर भी मज़ीद इस तरह के और करने की जो है ख्वाहिश रखते हैं, और अल्लाह ताला जो है वो आपकी जो इस ख्वाहिश को है वो पूरा करे, और आप जो है वो दिन दुगनी और रात दुगनी इसी तरह तरक्की करें, और होम्योपैथी का जो शोबा है ये भी इसी तरह इंशाल्लाह तरक्की करेगा, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह इसका जो बहुत अच्छा जो मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, क्योंकि अब जो है लोगों का रुझान इसकी तरफ ना काफ़ी बढ़ता जा रहा है। पहले लोग जो है इसके ऊपर कोई इतना इसको मानते नहीं थे कि ये बनानी मीठी सिर्फ गोलियाँ हैं, ऐसे बनानी लोगों को आराम आता कि नहीं आता, लेकिन अब इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई है और लेटेस्ट इसमें मेडिसिन दुनिया का जदीदतरीन तरीका लाया गया डॉक्टर साहब। जी जी, और इसके अंदर जो है अब जिद्दत काफ़ी आ गई है और लोग इसको बिलीव भी इसके ऊपर लोगों का बढ़ गया है, और जिस तरह आपने भी देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है इसकी अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एडवर्टाइजमेंट भी आती है, लोग इसको सराहते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं और इसको जो है अपनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और माशाल्लाह आज जो है हमने डॉक्टर अमीन साहब के जो क्लिनिक का इफ्तिताही तकरीब है इसके ऊपर दावत दी है, और देखने वाले तमाम और अहले इलाका से एक गुजारिश है कि वो तमाम लोग जो हैं वो डॉक्टर अमीन खोखर साहब के पास क्लिनिक पर तशरीफ़ ले कर आएँ, और इनसे जो है ना वो अपनी किसी भी जो लाल आज मर जाए दूसरे तरीक़ाकार में वो उसके बारे में आकर डॉक्टर साहब से डिस्कस करें, वो अपने सीनियर डॉक्टर जो हैं उनसे डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह उनको जो है कुली शफा मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब के, आप होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में कमेंट्स सुन रहे थे। उनका कहना था कि डॉक्टर मोहम्मद अमीन खोखर साहब जो हैं वो खुद भी बालग नज़र इंसान है और बच्चों को एजुकेट करते हैं, और प्रोफेसर लेक्चरार हैं पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डिगलसपुरा फैसलाबाद में। उनका कहना था कि डॉक्टर अमीन मोहम्मद अमीन खोखर साहब जो हैं अगर यहाँ बैठ के वो लोगों की खिदमत करते हैं तो इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि वो पूरे ज़ोरों शोर के साथ जो है अपनी प्रैक्टिस करेंगे और लोगों को शिफा याब करने में अपना भरपूर किरदार जो है इंशाल्लाह ताला वो अदा करेंगे। हमारे साथ होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेजिडेंट नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब भी मौजूद हैं। शहजाद साहब क्या कहेंगे होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में, डेवलप करने जा रहा है और पूरी दुनिया जो है इस तरफ लौट के आ रही है, तो डॉक्टर मोहम्मद अमीन खोखर साहब यहाँ इंशाल्लाह ताला लोगों की खिदमत करेंगे, तो क्या कहेंगे कि होम्योपैथी तरीका इलाज बेहतरीन है, किस नज़र से देखते हैं आप होम्योपैथी तरीका इलाज को?